अयोध्या करती है आवाज, सोच कर देखो अयोध्या में वो राम कैसे सोता होगा, वो राम कैसे सोता होगा। लखन लाल को कैसे वो राम परिवार को घर के लिए समझाता होगा। आप खुद सोच कर देखो, आप किराए के मकान पर अगर रहते हो और रातों रात मकान मालिक आपको बोले कल खाली चाहिए, आपके मन में कितनी गालियां निकलती हैं उसके लिए। आपको कोई कह दे आपने गाड़ी यहां नहीं यहां खड़ी करनी है, आप उतने में ही लड़ पड़ते हो। जगह सरकारी है, कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। तो हम हिंदू इतने कमजोर क्यों हैं? जब देश हमारा है, धरती हमारी है, हम अपने राम को उस मंदिर में बिठा नहीं सकते। अब इतने कमजोर हम क्यों हैं? वो क्या कहता होगा अपनी धर्मपत्नी से, वो क्या कहते होंगे अपने भाई से। अयोध्या करती है आवाज, आज मौका आया है। मैं तो प्रभु से गुजारिश करता हूं, अगर मेरे जीवन की सारी भक्ति का कुछ फल मुझे देना चाहते हो तो प्रभु कल ऐसा फैसला सुना दो कि राम जी वहां बैठ जाएं और मैं सोचूंगा मुझे सब कुछ मिल गया सा। मैं सोचूंगा सब कुछ मिल गया। मैं श्याम बाबा के चरणों में ये हारे के सहारे हैं। हे बाबा श्याम, उस मंदिर के लिए अब हम हार चुके हैं, हमें जिता दो कल सुबह साहब, हमें जिता दो, हम समझेंगे कि हमारा काम हो गया। करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अयोध्या करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, से कर मंदिर निर्माण, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। सजग हो, सजग हो, सजग हो रघुवर की संतान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, ठाठ से कर मंदिर।
बच्चों को लेकर जाओगे मंदिर बन जाएगा, बच्चों को लेकर जाओगे बच्चे पूछेंगे पापा क्या आपने भी सहमति दिखाई थी, बता देना नॉर्थ एक्स श्री मैत्री संघ में कीर्तन हुआ था उस कीर्तन में मैंने अपनी सहमति दिखाई थी। उठाना जरा दोनों हाथ, जरा ताली बजा के, ये बात एक ये दो ये तीन ये चार। अमृतसर दरबार साहब आप सबको पता है तालाब है वहां, उस तालाब में गंदगी हो गई थी, आदेश हुआ तालाब साफ होना चाहिए। साफ करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक महीना लगना था उसको साफ होने में, क्योंकि पेड़ वर्कर मंगाए गए, लेकिन जब आदेश हुआ साफ होना चाहिए तो सेवादार इतने आ गए कि एक हफ्ते के अंदर साफ करके छोड़ दिया। सेवा, हमें मेडल चाहिए पहले, काम बाद में, हमें पहले मेडल चाहिए। हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे दू, हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे दू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे दू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे। कैसे जान लगाओगे मैं बताता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, ताली बजे इस समय ना मेरे लिए ना इनके लिए। मिलेगा रघुवर को सम्मान, हाथ से कर मंदिर निर्माण, रघुवर को सम्मान, हाथ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाज, हाथ से कर मंदिर निर्माण, हाथ से कर मंदिर निर्माण। कर लो जरा ताली। कार्य हो रहा है
शांति से कार्य हो रहा है। ये मालिक की कोई विशेष कृपा है जो कि इस तरीके से कार्य हो रहा है, क्योंकि वो भी हिंसा नहीं चाहता। हिंसा आप और हम चाहते हैं, भगवान कभी हिंसा नहीं चाहते। कई साल बाद मौका सेवा का मिलेगा, राम लला का हमें दर्श मिलेगा, राम लला का हमें दर्श मिलेगा, बढ़ेगा हिंदुओं का सम्मान मिलेगा। जब दर्शन तो हमारा ही तो सम्मान बढ़ेगा। आज आप सच्चे दिल से हाथ रख के बताओ, कोई आपको फोन करता है अयोध्या चले गए खाटू के लिए? सब फोन करते हैं आपको, क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है सेफ है, दर्शन कर कर आते हैं, बात खत्म। लेकिन हमारा अस्तित्व, जिनकी हम औलाद हैं, राजा परीक्षित उनके औलाद हुए अग्रसेन जी महाराज, जिनसे हमारा अस्तित्व है, राम जी हमारे असलियत में पूर्वज हैं, और हम एक बार भी किसी को नहीं कहते अयोध्या चलेगा क्या। कई सालों बाद से समझना इस बात को और धारण करना इस बात को, कई सालों बाद मौका सेवा का मिलेगा, राम लला का हमें दर्श मिलेगा, बढ़ेगा हिंदुओं का सम्मान, पाठ से कर मंदिर निर्माण, बढ़ेगा हिंदुओं का सम्मान, पाठ से कर मंदिर निर्माण। और कौन तैयार है कल फैसला सुनने के लिए? अर्जी लगा लो, मैं चाहता हूं अर्जी लगाए उस भगवान के लिए, नहीं तो उस इंसान के लिए जो सोचता होगा कि मेरे भी अस्तित्व को कोई बात बननी चाहिए। अवसर मिल गया तुझे महान, हाथ से कर मंदिर निर्माण।